ये कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार छपा है, मनीष सिसोदिया का फोटो छपा है। अरे इन लोगों ने तो ओबामा जब राष्ट्रपति की पत्नी को उसको भी झूठ और बरगला करके लेकर के आ गए थे मोहल्ला क्लिनिक में, और पूरे मीडिया में इनके जितने भी पेड मीडिया है पीआर एजेंसी वाले ने अरविंद केजरीवाल का चला दिया, ओबामा की पत्नी ने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की। लेकिन क्या हुआ जब कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक में कितना कोरोना पीड़ितों का इलाज किया है इसका कोई डेटा आज तक अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। अरे इलाज तो छोड़ो, कोरोना का टीका वैक्सीन तक इसका मोहल्ला क्लिनिक नहीं लगा पाया, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। लोग सड़कों पर अपनी माँ का अपने बच्चे की लाश लेकर के घूम रहे थे, दिल्ली सरकार के पास कोई बेड नहीं था। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, कितना अस्पताल ने बता दिया बना दिया, एक भी नहीं। फिर कौन सा शिक्षा मॉडल, ये स्कूल का बात कर रहे हैं, ये कहते हैं 500 स्कूल हम खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज का नाम बता दे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि हाँ नया खोला है, एक स्कूल का नाम बता दे कि हाँ ये स्कूल चले जाओ और यहाँ पर ये नाम है, ये मैंने खोला है, ये नाम बता दे। अरे 700 स्कूलों में तुम्हारे साइंस का पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये राक्षसों की पढ़ाई है, इसलिए तुम 700 स्कूलों में पढ़ाई से साइंस का टीचर नहीं अपॉइंट कर सकते हो, 400 स्कूलों में तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा शिक्षा मॉडल? इसलिए क्योंकि तुम्हें विज्ञापन देना, तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन से कभी न्यूयॉर्क टाइम्स का। एक और मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, एक एजेंसी इसने पकड़ा है विदेश का, और कुछ 4-5-6 लड़के हैं जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से के रिसर्च स्कॉलर हैं, इन सबसे एक सर्वे के नाम पर ये बड़ा बवंडर करेगा, 64,000 रुपये प्रति महीने उस लड़कों को वेतन दिया जा रहा है इसी अरविंद केजरीवाल के माध्यम के द्वारा, उस एजेंसी एनजीओ के माध्यम के द्वारा, और ये बताएंगे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना बढ़िया है। ऐसे झूठे विज्ञापन, अरे जो ओबामा की पत्नी को झपला सकता है, जो ओबामा की पत्नी को झूठ बोल करके मोहल्ला क्लिनिक का इतना प्रचार करा सकता है, ये आज तक स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, हमारे और आपके दर्शकों के टैक्स के पैसे से वो जो जेल में मंत्री बैठा हुआ है इनका सत्येंद्र जैन, जो जिससे ईडी पूछताछ करती है तो वो कहता है हमको कोरोना के बाद मेरी याददाश्त चली गई, खत्म हो गया मेरा याददाश्त, मुझे कुछ पता ही नहीं है जी क्या हुआ था, कैसे घोटाला हो गया। वो व्यक्ति आज 2-3 महीने से हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी उठा रहा है, इंटरनेट का खर्चा, चाय पीने का खर्चा, और सारे जो उसको मंत्री के जो रुतबे मिलते हैं, पेट्रोल का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, चाय पानी जो उसके घर जाता है उसको पिलाने का खर्चा, जो भी सुविधाएं मंत्री को मिलनी चाहिए वो सब सुविधाएं मिल रही है, और वो प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो, क्योंकि वो जेल में है। एक जेल में बैठा हुआ आदमी अगर मंत्री का सैलरी 3 महीने से ले रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है, यही है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का सरकार का मॉडल कि इसे सब सुविधा चाहिए। एक अभी 24 करोड़ रुपए का भवन इनका बन रहा है, महल बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, ये तो जब भारत का संसद नया बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल और इसका टिकट बलकिया सांसद कहता था कि मोदी का महल बन रहा है, 24 करोड़ रुपये में अरविंद केजरीवाल अपना रहने का महल बनवा रहा है, 5 करोड़ रुपये में स्विमिंग पूल बनवा रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो। और याद कीजिए शराब नीति कब लाई गई, अप्रैल 2021 जब कोरोना का भीषण प्रकोप था, डेल्टा वायरस दूसरा लहर फैला हुआ था पूरे देश में, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, दवाई के लिए, रेमडेसिविर के लिए मर रहे थे, बेड के लिए मर रहे थे, सारी देश की सरकारें, निकम्मी सरकार क्यों ना हो, सबको चिंता थी कि कोरोना मैनेज कैसे हो जाए, सबको चिंता थी कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कैसे पहुँच जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चिंता क्या थी, शराब नीति कैसी बनाई जाए। अप्रैल महीना में सबसे ज़्यादा मौत हुआ है, अप्रैल और मई में, उस वक्त दिल्ली का अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था, कोरोना के लिए कोई कानून नहीं बना रहा था, ऑक्सीजन लाने के लिए कोई कानून नहीं बना रहा था, नया कानून बना रहा था शराब के ठेके कैसे खोले जाएं, जरूरत थी ऑक्सीजन की और अरविंद केजरीवाल ठेके बांट रहा था शराब के, और 144 करोड़ रुपए आपने कंपनी वालों को कोरोना के नाम पर फ्री कर दिया कि नहीं, 144 करोड़ कंपनियों का माफ कर दो, किस लिए माफ कर दो, कोरोना के नाम पर। अरे कोरोना के नाम पर ऑक्सीजन देना था, कोरोना के नाम पर आपको बेड लगवाना था, अस्पताल बनवाना था, और आप माफ कर रहे थे कंपनियों का 144 करोड़, कितना परसेंट आपको मिला है? ये किसी को अगर मैं 144 करोड़ माफ कर रहा हूं, मेरा कितना कमीशन बनता है, ये अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए। 30 करोड़ रुपए एक ऐसा आदमी जिसको लाइसेंस दे दिया,
एनओसी उसको मिला नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उसको लाइसेंस दे दिया, बाद में उसको एनओसी जब नहीं ही मिला तो 30 करोड़ उसका जो जमा था दिल्ली के कोष में जमा होना था, जिससे स्कूल बनने थे, रेमडेसिविर आना था और कोरोना के जो टीका लगना था वो नहीं दे करके 30 करोड़ फिर उस कंपनी को वापस कर दिया गया। इसका एक मनीष सिसोदिया का एक साथी जो इस पूरे घोटाला में, शराब घोटाला में अभियुक्त है, वो भाग गया है अमेरिका, ये अपने मित्रों को 144 करोड़ रुपया का छूट दिया और इसका एक मित्र भाग भी गया। अब स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री को आज अरविंद केजरीवाल मंत्री पद से हटा दे, वो सीधा नाम ले लेगा, उसका कोरोना का याददाश्त भी आ जाएगा, वो सीधा नाम ले लेगा कि अरविंद केजरीवाल मेरा बॉस है, उसके पास कोई मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन उसके पास सारी फाइलें जाती है और उसके कहने पे हमने घोटाला किया था, ये हमारा स्वास्थ्य में जो कंपनी, जो सेल कंपनी बना के पैसे इधर उधर किए वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया, वो सत्येंद्र जैन नाम ना ले ले अरविंद केजरीवाल का, इसीलिए पिछले 2.5-3 महीने से उसका मंत्री जेल में रह करके भी उसका मंत्री पद छीना नहीं जा रहा है। यही हाल मनीष सिसोदिया से होगा, ये जेल में जाएगा मनीष सिसोदिया, इससे केजरीवाल कभी भी इस्तीफा नहीं लेगा। ये पहले क्या कहता था अरविंद केजरीवाल 2013-12 में, जैसे आरोप लगे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच के बाद आइए फिर मंत्री बनिए, यही कह करके ये चुनाव में राजनीति करने के लिए आया था। आज इसका एक मंत्री फर्जी डिग्री लेकर के, जितेंद्र तोमर भागलपुर का फर्जी डिग्री लेकर के आया और उसके बाद ये पकड़ा गया, उसको भागलपुर में लोगों ने पीटा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिहार आज तक लौट करके नहीं गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता हो रही है, वो हर राज्य में चुनाव जीतते जा रहे हैं, इसी तरीके से ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि मोदी जी को खतरा हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही कि 24 का चुनाव आने वाला है। जब इस बार 5 विधानसभा में चुनाव हुआ, देखो ये झूठ, एक झूठ को इतना बार बोलता है ना कि आम जनता उसको सच मान लेती है। 5 राज्य में चुनाव हुआ अभी हाल में, पंजाब जहां दिल्ली में इसका एक सांसद नहीं था, 2014 में 4 सांसद आम आदमी पार्टी के जीते थे, एक वहां पे, चूंकि वहां का फैक्टर है देश तोड़ने वाले लोग वहां बहुत हैं, वहां 84 का दंगे के पहले कौन लोग क्या कर रहे थे सबको पता है, कैसे बसों में ढूंढ के कि कौन सिख है कौन हिंदू है उतारा जाता था, मारा जाता, उन लोगों से ये मिल करके उसके साथ मीटिंग करके पंजाब में सरकार बना ली। 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में इसकी सारी सीटें जमानत जब्त। अरे ये दिल्ली का विकास मॉडल की बात कर रहा है अरविंद केजरीवाल की, मेरा बहुत नाम हो रहा है नोएडा में, तुम्हारा दिल्ली से बगल में नोएडा विधानसभा है, वहां तुम्हारा पार्टी का क्यों नहीं जीता? दिल्ली वाले, नोएडा वाले तो दिल्ली का विकास देखे होंगे, नोएडा में तुम्हारा विधायक हार, उसका जमानत जब्त हो गया, तुम्हारा गुड़गांव में बिल्कुल बगल में है वहां पर तुम्हारा पार्टी बर्बाद हो गया, साहिबाबाद में जो दिल्ली बिल्कुल सटा हुआ विधानसभा उत्तर प्रदेश का है, 2 लाख वोटों के अंतर से, भारत का सबसे बड़ा अंतर से वो विधानसभा चुनाव जीता, मतलब इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मार्जिन से जीता गया साहिबाबाद, जो दिल्ली के ठीक सटा हुआ है। यानी नोएडा वाले, साहिबाबाद वाले दिल्ली के मॉडल को जानते हैं कि यह फ्लॉप मॉडल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब कोरोना पीड़ित हुई थी तो यह अपना इलाज कराने उत्तर प्रदेश गई थी नोएडा में, इसी जब कोरोना का जब सेकेंड वेव, जब यह शराब नीति बना रहे थे उसी दरमियान अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पीड़ित हो गई, दिल्ली में इन्होंने इलाज नहीं कराया, ये नोएडा में उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में भेजे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी था, बेड भी था, सब कुछ था। ये हाल है अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल का। अब ये कहते हैं पूरे देश में लोकप्रियता, उत्तराखंड में आप बहुत डंका पीट रहे थे, आपकी सारी सीटें जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, आप बिहार में गए नहीं, आप उसके बाद साउथ में गए नहीं, आपकी कौन सी लोकप्रियता बढ़ गई है? आपने तो, आपका गुलाब सिंह ट्विटर पे आज भी वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कह रहा था सूरत में बवाल मच जाएगा इस बार गुजरात में, आपका एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। इसने तो ये भी हल्ला हंगामा कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें हमारे 20 प्रधान जीते हैं, 20 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, एक भी नहीं जीता। ये विज्ञापन करने वाला, ये संजय सिंह शुरुआत से ही 10 का 30 बताता रहा है, जो 10 रुपये की चीज़ है उसको 30 रुपये का बता के बेचा है, तो इसका तो ये नेचर है, ये तो कह देगा किसी को कि मोदी बहुत खराब है अगर हम बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत खराब है, लेकिन कांग्रेस का जाके मुलायम सिंह का पैर छू रहा था ये मुलायम सिंह, संजय सिंह, अच्छा, जिसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कह रहे कि मैंने 1 लाख बच्चों के चेहरे पे मुस्कान दिया उसी की सजा आज मुझको मिल रही है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से लोग अपना नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, एक विधायक आपका
जिसका 63 विधायक में से एक विधायक के एक बच्चे का नाम बता दीजिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम कटवा के आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल में नाम कराया है। आपके सारे विधायक यंगस्टर हैं, सबके बाल बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन स्कूल में पढ़ रहा है एक विधायक का नाम बताओ, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उसके जितने चमचे अंधभक्त हैं कि तुम्हारे इस विधायक के इस बच्चे ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटवा के इस सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये अफवाहबाजी, इसको कोई प्रूफ तो देना नहीं है। ये नितिन गडकरी पे आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, बाद में पैर छू करके माफी मांगा, कोर्ट ने इसको लतारा फिर माफी मांगा। ये हर बार ये लोग आरोप लगा लेता है, झूठा आरोप लगा लेता है और इसके जो अंधभक्त हैं वो दो दो रुपये में ट्वीट करने वाले ये लोग व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे इसके जितने चमचे और अंधभक्त हैं। इससे पूछो ना, जो भी आम आदमी पार्टी का कहता हो कि सरकारी स्कूल से लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवा करके सरकारी स्कूल जा रहे हैं, बोल कि विधायक के किस विधायक का किस बच्चे ने नाम कटवाया। और मैंने सुना है बहुत गए हैं, ये नहीं नाम बता, नाम बता तभी ये पकड़ाएगा। ये ऐसा विदेशी का एजेंट है, दिल्ली में ये दंगे करवाता है। ताहिर हुसैन इसका ही नगर निगम ना पार्षद, ये कहता था कि मेरा सारा एक एक विधायक मैंने लिटमस टेस्ट किया है, इसके 6 मंत्री जिसने खुद हटाए हैं जो जेल में है, इसका जितेंद्र तुम एक, इसका एक महिला का राशन कार्ड बनाने के बदले में शारीरिक शोषण करता था, यह ऐसा चरित्रहीन आदमी, उसको भी ये इस पर भी साथ लेकर के चला, उसको भी विधायक से नहीं हटाया। तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया का नंबर भी जेल में आने वाला है? देखो सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया का ये अरविंद केजरीवाल उसी दिन बोल दिया था जेल में है जिस दिन 11 इसी मंत्रालय के 11 अफसर सेक्शन ऑफिसर से लेके अपर तक उसको एलजी ने सस्पेंड कर दिया था। जिस दिन एलजी साहब ने सस्पेंड किया कि ये शराब नीति क्या है, कोरोना का भीषण जब तबाही थी तुम शराब नीति बना रहे थे और अपने मित्रों को 144 करोड़ छूट दे रहे थे, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि अन्ना आंदोलन में कोई भी आदमी ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया हो तो उसको आज सामने आकर के बोलना चाहिए कि यार मनीष सिसोदिया तुम इस्तीफा दो और जांच के लिए कमेटी बनाओ। अच्छा, और मांग करो और जांच में अगर तुम नहीं आते हो तुम वापस मंत्री बन जाना। आखिरी सवाल ये, आपको नहीं लगता ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके संजय सिंह कह रहे कि जो प्रधानमंत्री है वो छोटी सोच वाले हैं, उनको देश का भला कैसे होना है ये नहीं सोच रहे, केवल ईडी सीबीआई किसके पीछे लगानी है ये सोच रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ईडी या नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी का एक मंत्री के घर ईडी का छापा पड़ा, 58 करोड़ रुपये कैश मिला, क्या वहाँ नरेंद्र मोदी पहले कैश रख के आता है या ईडी वहाँ पहले कैश रख के आता है, 58 करोड़ पहले घर में पहुँचा देता है, बाद में ईडी छापा मार के 58 करोड़ रुपये पकड़ लेता है? ऐसा संभव है? नहीं हो सकता है। तो आखिर ईडी और सीबीआई यदि बदले की भावना से ही कार्रवाई कर रहा है तो फिर उसके घर में जिसके घर छापा पड़ता है वहाँ 50 करोड़ रुपये कैश कैसे मिल जाता है? आपके हमारे घर में 50 करोड़ रुपये होता है क्या? लेकिन उसके घर पे ही क्यों मिलता है जिसके घर ईडी जाती है? कहीं 100 करोड़ मिलता है, कहीं 12 करोड़ कैश मिलता है, आखिर पैसा है कि नहीं है? बीजेपी वालों के घर नहीं जाती सीडी? आप देखो, आप सीबीआई की ना, आप एक जहाँ आपकी सरकार है आप सीबीआई की मांग कर सकते हैं जांच की। आप हर हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये अभी आदेश भी आया था कि राज्य सरकार के ही आदेश पे सीबीआई जांच करेगी। यहाँ भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच आदेश हुआ है एलजी के आदेश पर हुआ है और ये पूरा रिपोर्ट जो बना है वो मुख्य सचिव, जो दिल्ली सरकार का ही मुख्य सचिव है, उसने ही रिपोर्ट बनाया कि ये धांधली किया है मनीष सिसोदिया ने और ये 11 अधिकारियों ने। ये एलजी को दिया गया, एलजी ने तुरंत इस पर सीबीआई कार्रवाई की मांग की। आपको अगर लगता है कि बीजेपी का कोई एक नेता आरोपी है, आप नाम प्रेस में आकर के क्यों बोलते हो? आपके पास सरकार है ना जी, आप उसको एसीबी का सीबीआई का जांच के मांग कर दीजिए। आप तो धरना दे देते हो, आप धरना दे दो कि इस पर सीबीआई जांच कराओ, लेकिन आपका रिकॉर्ड है, आपने विक्रम मजेठिया पे आरोप लगाया पंजाब के मंत्री पे, उसके बाद आप माफी मांगे, पैर छू पकड़ के माफी मांगे, लिटरल नितिन गडकरी पे आपने आरोप लगाया, आपको माफी मांगना पड़ा, कोर्ट में हलफनामा लिख के देना पड़ा कि हमको माफी दे दो, ये झूठे आरोप थे। तो आपने अपने आप को झूठा लुच्चा जब घोषित कर दिया है तो आप पर विश्वास कोई कैसे करे? और आप फिर अभी आरोप लगा रहे हो बीजेपी के नेता पकड़ो, आप कहते हो आपके पास है ना जी, लगा दो, सांसद है ना मनोज तिवारी, लगा दो उस पर, मुझे क्या? एक भ्रष्टाचारी मनोज तिवारी अगर है तो जेल जाएगा,
और या राम जो परवेश वर्मा उसके खिलाफ, लेकिन आपको सबूत देना पड़ेगा सीबीआई को। ऐसे कोई सीबीआई ईडी नहीं जाता है, उसके पास एक सबूत आता है। इनके मूर्खों देखो, राहुल गांधी पुरखों की वजह से है और केजरीवाल मूर्खों की वजह से है। जितने मूर्ख है इसके, उसको ये पता नहीं होता अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया बीजेपी वाले घर नहीं जाता। अबे जिसके घर जा रहा है उसके घर 58 करोड़ रुपया क्या मोदी पहुंचा रहा है? तो यही इसीलिए अगर ये आरोप लगा रहे हो तो नाम बताओ ना, आप सीबीआई का जांच के लिए जाओ और सीबीआई के कार्यालय पे धरना दे दो कि ये भ्रष्टाचारी है, इस पे जांच कीजिए, हम लोग भी साथ चलेंगे। पकड़ा जाएगा तो भ्रष्टाचारी ही ना, नहीं तो ये इनके मूर्खों का जो अंधभक्त इसका जो है, जिसको इसने फैसिलिटेट किया हुआ है 2-2 रुपये दे दे के, 400 रुपया दे करके, उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे इसकी पोल खुल रही है। पोल इसलिए, ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि पता है अरविंद केजरीवाल को कि 15 अगस्त को यदि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा एक्शन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है, क्योंकि मोदी बोलने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेता है। और मनीष सिसोदिया तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल कब जेल में जाएंगे इसका इंतजार है हमें, और जेल जाना ही पड़ेगा।